गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, उसमें सीड डिस्कस हम लोग कर रहे थे। तो सीड का कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज अ सीड, सीड का डिफिनीशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद सीड में दो तरह के सीड हमने बताया था, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड में एक एग्जाम्पल हमने बताया था कैस्टर। तो कैस्टर का डाइकॉट सीड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से मेजर पोर्शंस होते हैं उसको देख लेते हैं। डाइकॉट सीड डाइकॉट सीड उसमें है कैस्टर। कैस्टर का बोटनिकल नेम होता है Ricinus communis, Ricinus communis, ये endospermic seed है, endospermic seed, crystal, castor is a endospermic seed, उसका structure कैसा होता है, उसका structure अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला लेयर है दिस इज नॉन अ सीड कोट, सीड कोट बोलते हैं इसको। ये सीड कोट क्या होता है, हार्ड होता है एंड ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, काफी हार्ड होता है ये, हार्ड एंड ब्राउन कलर, सीड कोट इज हार्ड एंड ब्राउन कलर। सीड कोट के बाद जो होता है दैट सेकंड लेयर इज द फ्लैशी व्हिच इज नोन एज पेरिस्पर्म। सेकेंड लेयर जो होता है पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसिलस, इसका नीट में पूछा गया पिछले साल, नीट में बच्चों पूछा गया है पिछले साल, परसिस्टेंट न्यूक्लियस क्या होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को ही पेरिस्पर्म बोलते हैं और ये कैस्टर में मिलता है। तो सेकंड लेयर जो होता है बेसिकली परसिस्टेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या होता है, दिस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन किसी किसी में न्यूक्लियस रह जाता है उसको बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, कैस्टर में होता है। उसके बाद थर्ड जो लेयर होता है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म इज ए फ्लैशी ऑयली एंड ओवल। और इसके बाद जो होता है दिस इज ए ओवल, this is known as cotyledons thin and papery होता है, thin and papery cotyledons, जिसमें cotyledons और endosperm दोनों मिलता है, endosperm में cotyledons दोनों मिलता है, और cotyledons thin papery होता है, endosperm fleshy oily and oval होता है। और इसके बाद तीसरा एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज कारंकल, कारंकल, कारंकल इज बेसिकली, कारंकल इज थर्ड इंटरकमेंट, इसको बोलते हैं थर्ड इंटरकमेंट, थर्ड इंटेगुमेंट, कारंकल इज थर्ड इंटेगुमेंट, कारंकल इज थर्ड इंटेगुमेंट। कारंकल जो होता है दैट हिडन द हाइलम, हाइलम क्या है,
कारंकल जो हाइलम को हिडन कर लेता है, छुपा देता है, ये आउटग्रोथ, दिस इज आउटग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, दिस इज कारंकल इज आउटग्रोथ और प्रोलिफरेशन ऑफ इंटेगुमेंट, इट दिस हिडन द हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम इज स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार ऑन द सीड कोट, स्कार ऑन द सीड कोट, स्कार ऑन द सीड कोट फ्रॉम वेयर सीड अटैच विद फ्रूट, सीड अटैच विद फ्रूट, हाइलम। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, इसमें जो है ये जो एक्सिस, दिस एक्सिस ये है कॉटिलेडोनरी एक्सिस को क्या बोलते हैं? टाइजलम। क्या बोलते हैं? टाइजलम। टाइजलम एक टाइजलम से जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको प्लूमूल बोलते हैं, ये रेडिकल बोलते हैं। तो प्लूमूल जो है कॉटिलेडोनरी लीव्स बनाता है और रेडिकल जो है प्राइमरी रूट्स बनाता है। तो ये चीज दो चीज पोर्शन होगा ये, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, कैस्टर का सीड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें मेजर जो पोर्शन है वो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो पेरिस्पर्म एंड कारंकल, इसको ध्यान देना है। इसके बाद जो सेकंड है मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड में हम मेज को जोड़ता है, मेज इज बेसिकली एंडोस्पर्मिक सीड है, उसको हम बताएंगे। नाउ द मोनोकॉट सीड, तो बच्चों मोनोकॉट सीड में देख लेते हैं, मोनोकॉट सीड मोनोकॉट सीड में एक बेस्ट एग्जांपल है मेज का, है ना, मेज, इसको जी मेज बोलते हैं। दिस इज एंडोस्पर्मिक इंडोस्पर्मिक मेज है, इंडोस्पर्मिक सीड है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है सीड, आउटर जो है सीड कोट होगा, दिस इज आउटर इज सीड कोट, दिस आउटर इज fused testa and pericarp, fused testa and pericarp। उसके बाद जो है second जो layer है aileron layer है, second is aileron layer, this is aileron layer, एलुरॉन लेयर को, एलुरॉन लेयर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है बेसिकली, दिस एलुरॉन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इसके बाद जो है ये जो है डिवाइड होता है, दोनों सीड जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती है, दीज आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर। दिस लेयर बेसिकली एपिथेलियल लेयर जो है सीक्रेट है एंजाइम, ये एंजाइम सीक्रेट करती है, क्या करता है एंजाइम, एंजाइम ये सीक्रेट करेगी, और एंजाइम सीक्रेट करके क्या होता है, ये जो इसके अंदर स्टार्च होता है, द स्टार्च इंडोस्पर्म, स्टार्ची इंडोस्पर्म जो होता है इसको जो है डिसॉल्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ये क्या एपिथेलियल सेल्स, secrete the enzyme, these are the glandular epithelial cells secrete the enzyme which digest the starchy endosperm, ये क्या है endosperm है, endosperm,
इसके बाद यहाँ पे जो होता है, जो सेकंड सेकंड वाले पार्ट में जो है, उसमें एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, दिस पार्ट इज नोन एज स्कूटेलम। स्कूटेलम इज अ सिंगल कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कॉटिलेडन बोलते हैं इसको, सिंगल कॉटिलेडन, सिंगल, एक ही कॉटिलेडन होता है। और ये क्या होता है? थिन होता है, थिन एंड पेपरी होता है, पेपरी, थिन एंड पेपरी। सिंगल कॉटिलेडन को स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम जो है मोनोकॉट के सीड में ही प्रेजेंट होता है, थिन और पेपरी होता है। बेसिकली क्या करता है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसपोर्ट करता है एम्ब्रियो तक। और इसके बाद जो है, तो एम्ब्रियो जो है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। ये तो पॉलीपेप्टाइड जो प्लूमूल हो गया, ये जो रेडिकल हो गया, प्लूमूल के ऊपर जो कवरिंग शीट होती है इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या होती है? कोलियोप्टाइल, द कवरिंग शीट ऑन द प्लूमूल। एंड जो रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग शीट होती है इसको क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। दिस इज द शीट ऑन द रेडिकल। कोलियोराजा इज द शीट, शीट ओवर रेडिकिल को क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। और कोलियोप्टाइल क्या बोलेंगे? शीट अबव द प्लूमोल के ऊपर जो शीट होगी इसको कोलियोप्टाइल बोलेंगे। तो ये हो गया मोनोकॉट का इंडोस्पर्मिक शीट का स्ट्रक्चर। इसमें दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। एक एलुरॉन लेयर किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया है। एलुरॉन लेयर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। एलुरॉन लेयर नीट में पूछा गया है। और दूसरा जो है इपिथिलियल लेयर, इपिथिलियल लेयर जो होता है, दिस इपिथिलियल लेयर सेपरेट्स द स्टार्ची एंडोस्पर्म विद डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो है, ये जो है कॉटिलेडन, जो सिंगल कॉटिलेडन जिसे स्कूटुलम बोलते हैं, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को यहाँ डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास। तो दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलेडन्स। एंड कॉटिलेडन्स का होल स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन में हम बढ़ाएंगे आपको सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन उसके बाद बताएंगे। इसमें एक पॉइंट और है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर किसमें होता है? मोनोकॉट सीड विद नॉन इंडो इंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट सीड विद नॉन इंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल क्या है उसका? ऑर्चिड। ऑर्चिड में क्या, बेसिकली ऑर्चिड में जो है, ऑर्चिड में एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर होता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कल्चर। एम्ब्रियो रेस्क्यू